हेलो दोस्तों, डोलीज किचन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट श्रीखंड की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 50 ग्राम डार्क चॉकलेट, 100 ग्राम क्रीम, 3 टेबलस्पून चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसके ऊपर हम एक छलनी रख लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक मसलिन क्लॉथ फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे। ये दही मैंने खुद से जमाया हुआ है, आप चाहें तो पैकेट वाला दही भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे कि सारे किनारे उसके इकट्ठे हो जाएं। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसका जो लिक्विड है सारा दही का, वो हम निचोड़ लेंगे और इसको बांधकर हम 1 घंटे के लिए टांग देंगे। अब हम एक डबल बॉयलर तैयार कर लेंगे, उसमें हम 50 ग्राम चॉकलेट लेंगे। आप यहाँ पर चॉकलेट को कट करके भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा इजीली मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए अब चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर लेंगे। ये क्रीम 100 ग्राम है और ये रूम टेम्परेचर पर है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक गनाश तैयार कर लेंगे। यहाँ हमें इसको लगातार चलाते रहना है, वरना ये जो है नीचे से जल जाएगा। ये देखिए हमारी चॉकलेट रेडी है। गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तब हम उसमें ये हंकड़ मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 3 चम्मच चीनी डाल लेंगे। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कर तैयार है। अब हम इसको एक पाइपिंग बैग में भर कर रखेंगे। फ्रीजर में 1 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ही ऐसे फ्रिज में ढक कर रख दें ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। अब हम एक मिट्टी का बाउल लेंगे, आप चाहें तो ग्लास वाला बाउल भी ले सकते हैं। और इसको अब हम इसमें पाइप करेंगे। ये देखिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे और ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता लिए हैं, इनसे हम इसको गार्निश करेंगे। और ये देखिए आपका चॉकलेट श्रीखंड एकदम तैयार है। और है ना इसको बनाना कितना आसान, तो इसको बनाइए और गणपति जी को ज़रूर भोग लगाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।